दोस्तों मुझे पता है इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारा प्रोडक्ट रिव्यू देखा होगा, बट शायद ही कभी किसी प्रोडक्ट के रिव्यू में उस प्रोडक्ट का रियलिटी जान पाए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोग एंड तक देखते हो तो इस प्रोडक्ट के बारे में आप लोग बहुत ही डिटेल में जान पाओगे और साथ ही में ये भी डिसाइड कर पाओगे ये प्रोडक्ट आप लोगों के लाइक है या नहीं। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दोस्तों समर में सनस्क्रीन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सिर्फ मुझे ही नहीं आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है। तो मैं और एक सनस्क्रीन कंपेयर वीडियो लेके वापस आ चुकी हूँ फिर से सनस्क्रीन के वीडियो लेके वापस आने का रीजन है, इससे पहले वाले वीडियो में व्यू नहीं चल छुट्टी नहीं नहीं क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोगों को इस समर सनस्क्रीन के ऑप्शन में कोई कमी ना हो। सो आज हम कंपेयर करेंगे वाओ एएम टू पीएम सनस्क्रीन एसबीएफ 50 का एंड मामा अर्थ हाइड्रोजेल इंडियन सनस्क्रीन का और देखेंगे इनमें से कौन सा सनस्क्रीन हमारे यूज के लायक है। तो और देर ना करते हुए शुरू करती हूँ। तो करना दोस्तों शुरू करते हैं प्राइस से। वाओ स्किन साइंस एएम टू पीएम सनस्क्रीन का प्राइस है 41 ग्राम का 385 रुपीस और मामा अर्थ हाइड्रोजेल इंडियन सनस्क्रीन एसबीएफ 50 का प्राइस है 50 ग्राम का 399 रुपीस। जो प्राइस वाइज दोनों ही तो महंगा है पर मामर्थ कुछ ज्यादा ही महंगा है, तो प्राइस वाइज विनर है ऑब्वियसली वाओ, तो इसको मिलता है 1 पॉइंट। सो इसके बाद देखते हैं दोनों ने क्या क्लेम किया है। और सबसे पहले मामर्थ ने, इसके मुताबिक ये सनस्क्रीन इंडियन स्किन टोन के लिए सुइटेबल है। देन ये जेल बेस्ड फॉर्मूला है जो स्किन को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल सन रे से। इसके बाद इस सनस्क्रीन में एलोवेरा है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, ये हम सबको पता है। और इसमें रसबेरी का यूज हुआ है जो स्किन के एजिंग टेनिंग डार्क स्पॉट एंड रिंकल से फाइट करता है। देन ए लाइट नॉन ग्रीसी जेल फॉर्मूला है जो स्किन को सन से प्रोटेक्ट तो करता ही है एंड स्किन को हाइड्रेटेड भी रखता है और साथ ही में ये ऑल स्किन टाइप के लिए सुइटेबल है। वाह क्या फेंका है इसने, सुन के तो मजा ही आ गया, इसे लेने का मन कर रहा है। सो इसके बाद देखते हैं वाओ ने कितना फेंका है। इसके मुताबिक ये नॉन ग्रीजी है, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है एंड वाटर रेसिस्टेंट भी है। देन ये सनस्क्रीन बहुत लॉन्ग टाइम तक यूवीए एंड यूवी रे से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और इसमें मोरक्कन अर्गन ऑयल है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट, टाइटेनियम डी ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड है और इन सभी से बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है स्किन को सन से। इसके मुताबिक ये सनस्क्रीन बहुत ही लॉन्ग टाइम तक सन प्रोटेक्शन देता है और ए भी ऑल स्किन टाइप के लिए सुइटेबल है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया यार। वाओ तुम्हें तो ठीक से फेंकना भी नहीं आता। सो ज्यादा बेटर फेंका है ऑब्वियसली मामर्थ ने, तो इसको मिलता है 1 पॉइंट। तो दोनों का पॉइंट हो गया एकदम बराबर, मतलब कंपेयर होने वाला है एकदम टक्कर का। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोनों का इंग्रेडिएंट लिस्ट, क्योंकि इसी से पता चलेगा कौन सा हमारे यूज के लायक है। तो सबसे पहले देखते हैं मामर्थ का। इसमें यूज हुआ है एक्वा, एलोवेरा, एक्रालाइट C1030 एल्कलाई, एक्रालाइट क्रॉस पॉलीमर, प्रोपेन 13 डीओल, C1215 एल्कलाइट बेंजोएट, रास्पबेरी सीड ऑयल, मिथाइल ग्लूकोस सस क्विस्टरेट, पोटेशियम सीटाइल फॉस्फेट और भी इनके जैसे 12 इंग्रेडिएंट का यूज हुआ है इसमें। देन इसके बाद वाओ में यूज हुआ है एक या सिर्फ की इंग्रेडिएंट। यार इसीलिए मैं वाओ के प्रोडक्ट का कंपेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि इसके हर प्रोडक्ट का यही रोना है, हर प्रोडक्ट में वाओ ने सिर्फ की इंग्रेडिएंट ही मेंशन करके रखा है। सो छोड़ो मैं क्या ही कर सकती हूँ, चलो देखते हैं इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट। इसमें यूज हुआ है प्यूरिफाइड वाटर, ऑक्टाइल मिथोक्सीसिनोमेट, ऑक्टोक्राइलेन, ब्यूटाइल मिथोक्सीडाइबेंजालोमेन, इथेन, होमोसिलेट, ग्लिसरीन मोनोस्टेरेट, ग्लिसरीन, सिटेस्टेरल अल्कोहल, सिट्रिक एसिड, टाइटेनियम डी ऑक्साइड और भी इसके जैसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट। इसने तो की इंग्रेडिएंट में ही हक दिया और इसका फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या ही होगा। सो चलो इस कंपेयर के रिजल्ट के ओर। अब क्या होगा? नाना बचवा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, ज्यादा लोग वीडियो नहीं देखते हैं। दोस्तों वाओ के इंग्रेडिएंट लिस्ट में यूज हुआ इंग्रेडिएंट से हमें एक्ने, रेस, इरिटेशन, ईचिंग जैसा छोटा प्रॉब्लम तो छोड़ो बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है। और दूसरी ओर मामर्थ के इंग्रेडिएंट से एलर्जिक रिएक्शन, इरिटेशन एंड और भी कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोनों ही प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक भी प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी, पर आप लोग अगर अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर के बात मान के लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं तो आप लोगों की फेवरेट नहीं हूँ ना, इसीलिए अगर होती तो आप लोग अब तक से सब्सक्राइब कर देते मेरे चैनल को। सो दोस्तों आज यही तक, पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।